ये भी बोलते हैं कि वहाँ बागेश्वर जाके क्या मिलेगा तुम्हें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनको मान रहे हो जिनकी उम्र छोटी है, मतलब उनकी क्या बातें फॉलो करते हो, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भटकाने वाले लोग काफ़ी है। रिप्लाई यही करना चाहती हूँ कि जगह जगह फालतू में मत भटको, किसी मुसलमान वैरक किसी मुसलमान वैरक कोई भी जगह मत जाओ, जो करेंगे वो बालाजी करें, नहीं नहीं हम नहीं कर, क्योंकि ये चीज़ मैंने अजमा रखी है, हमारे किसी के साथ हुई थी, जो मुसलमान के पास जाते हैं वो कहते हैं मतलब चीज़ हटाने की जगह ना और ज़्यादा छोड़ देते हैं, ये सब होता है ऐसा, वो भटकते हैं एक बारी को उनको लगता है कि हमारा काम बन चुका है, ठीक है सेक्सुअल, पर ऐसा कुछ भी नहीं, जब वो अपने घर ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या करेंगे घर ठीक, वो चीज़ इतनी पिटती है ना, सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं तो वो सन्यासी बाबा आ जाते हैं तब उसको मानने लगते हैं, जो हम कहते हैं चिमटे की मार लगाओ या जो मुट्ठी वाला करवाते हैं ना बागेश्वर वाले, वो सारे करके देखते हैं तो सब कुछ होता है। क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ जी, बालाजी से अभी आप क्या करते हैं? बालाजी से अभी हम ये है कि अर्जी लगा कर आए हैं, हम फर्स्ट टाइम भी आए थे, अब तीसरी बारी आए हैं, मतलब इतने शक्तिशाली है, इतने चमत्कारी है कि यहाँ ही आने के बाद आनंद आता है मतलब की। अच्छा, स्टार्ट कैसे, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? हम एक है ना दूसरे धाम पे थे जो जोधपुर में था, तो वहाँ पर हमने अर्जी लगाई थी बालाजी के, ये देखा था यूट्यूब पे पहले, तो फिर उसके बाद हमने अर्जी लगाई, अचानक ही बालाजी ने यहाँ बुला लिया फिर। लेकिन मैम जो दिल्ली का कल्चर है वो पार्टी पब, तो मतलब आप लोगों को, आपको ये भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते होंगे कि बहुत ज़्यादा भक्ति में पड़ गई हो? नहीं, ये भी बोलते हैं कि वहाँ बागेश्वर जाके क्या मिलेगा तुम्हें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनको मान रहे हो जिनकी उम्र छोटी है, मतलब उनकी क्या बातें फॉलो करते हो, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भटकाने वाले लोग काफ़ी है, पर कहते हैं ना विश्वास होना चाहिए, एक बार ये आए चमत्कारी पता लग गया हमें चमत्कार है तो दोबारा आएगा। तो फिर आप उनको क्या रिप्लाई? रिप्लाई यही करना चाहती हूँ कि जगह जगह फालतू में मत भटको, किसी मुसलमान वैरक कोई भी जगह मत जाओ, जो करेंगे वो बालाजी करेंगे। तो कभी गए हैं आप जैसे दरगाह वगैरह भी लोग बोलते हैं? नहीं नहीं हम नहीं गए, क्योंकि ये चीज़ मैंने अजमा रखी है, हमारे किसी के साथ हुई थी, जो मुसलमान के पास जाते हैं वो कहते हैं मतलब चीज़ हटाने की जगह ना और ज़्यादा छोड़ देते हैं, ये सब होता है ऐसा होता है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं ना, उनका कोई काम नहीं बन रहा होता है तो जैसा जो एडवाइस करें, पर वो भटकते हैं एक बारी को उनको लगता है कि हमारा काम बन चुका है, ठीक है सेक्सुअल, पर ऐसा कुछ भी नहीं, जब वो अपने घर ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या करेंगे घर ठीक, ये है। तो मतलब जो मुस्लिम मौलाना होते हैं वो दोबारा दूसरी शक्ति भी छोड़ते हैं? हाँ, बल्कि गलत और छोड़ देते हैं, वो किसी और की छोड़ देते हैं, ऐसा काम करते हैं वो, इसलिए उनके चंगलों में कभी मत फंसो, जो है बागेश्वर धाम में ही है। अच्छा, क्या चीज़ यूनिकनेस क्या लगती है आपको, क्योंकि जैसे आप जैसा यूथ कनेक्ट हो रहा है और पढ़ा लिखा, तो क्या अच्छा लगता है कि भक्ति में ही है ना शक्ति है, हर चीज़ है, इसी में मज़ा आता है, और किसी चीज़ में मज़ा नहीं है जो भक्ति में मज़ा है, मतलब राम का नाम है ना इतना प्यारा है कि लोग है ना अंदर अंदर रोम रोम खड़ा होता है, समझ रहे हो, जो मेरी सिस्टर के ऊपर कोई चीज़ थी ना उसके एकदम दिमाग पे और आँखों पे हैवी थी, यहीं आते ही उसके दिमाग से एकदम हट गई थी, मतलब ठीक हो गई थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। सही, आप यहाँ पे कब आए? फर्स्ट टाइम 1.5 साल पहले आए थे। हाँ जी, तो फिर कोई चमत्कार हुआ आपके साथ? चमत्कार तो बहुत हुए हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत है, पर इस टाइम पे मैं अभी बता नहीं पा रही। अर्जी लगाते हैं ना तो समय सन्यासी बाबा की शक्तियाँ घर तक पहुँच जाती है एकदम साक्षात हनुमान जी। सन्यासी बाबा का कभी आभास हुआ? आभास तो यही होता है कि हमारी है ना जो भी चीज़ हम बोलते हैं ना वो हो जाती है, ये है इतने चमत्कारी है बस आभास तो। हाँ, हनुमान जी सन्यासी बाबा बहुत जल्दी सुन लेते हैं, एक सिंगट में सुन लेते हैं घर पे, जैसे मर्जी लगाते हैं तो। जैसे हमारे मेरी सिस्टर के अंदर जो चीज़ है तो घर में ही वो चीज़ इतनी पिटती है ना, सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं तो वो सन्यासी बाबा आ जाते हैं तब उसको मानने लगते हैं, जो हम कहते हैं चिमटे की मार लगाओ या जो मुट्ठी वाला करवाते हैं ना बागेश्वर वाले, वो सारे करके देखते हैं तो सब कुछ होता है मतलब। जैसे अभी आप की गुरुजी से बात हुई है? नहीं, अभी गुरुजी से बात नहीं हो पाई। तो मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ, पर हो जाएगा आने वाले टाइम में, यही उम्मीद है कि हमारा होए उनसे, हमारा भी पर्चा बने आने वाले में टाइम में बस। तो जैसे अभी आप लोग मतलब कितना पहले जुड़ने से पहले और अब क्या बदलाव आया है आपके जीवन? बदलाव आया है क्योंकि हमारे घर में काम धंधा वगैरह भी नहीं था, ठीक है, फिर धीरे धीरे जॉब लगी वगैरह सब कुछ ठीक होने लगा, अभी और उम्मीद है जो इसलिए आए हैं, अब पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्या करते हो? अभी जॉब करती हूँ मैं।
तो जॉब वगैरह मतलब आपकी ठीक चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है, पहले से बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे मैम अभी पहले आप पूजा पाठ वगैरह पहले से ही करते थे या फिर जोड़ने? शुरू से करते थे, बालाजी को तो हम शुरू से ही मानते हैं, पर जब यहाँ पर आए ना, यहाँ का चमत्कार देखा, तब और ज़्यादा लगा कि हाँ बालाजी है साक्षात। मतलब तो कभी आपको कहते हैं ना सपने में बंदर दिखे हो? दिखे हैं। कैसे, क्या हुआ था बताएं? जैसे हम अर्जी लगाते हैं तो हमें जैसे बंदर नज़र आते हैं, कभी आते हैं गुरुदेव जी का भी सपना आता है कि वो हवन करवा रहे हैं, कभी ऐसा आता है, काफ़ी सपने आते हैं इनके। तो गुरुजी सपने में हमको साक्षात कुछ बता के जाते हैं, बताया था कुछ ना कुछ, हाँ जी, क्योंकि रास्ता दिखाते हैं, ये मैं बता नहीं सकता। गुरुजी ने सपने आगे बताया भाई ऐसा करो ऐसा करो, आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें जैसे हमारी कोई भी मुसीबत होती है तो हम उनकी वीडियो लगातार देखते रहते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन करना होता वो वीडियो के अंदर ही हमें ऐसा लगता है वो साक्षात हम ही बता रहे हैं कि तुम ये करवाओ, ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ, तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। जैसे भी जैसे मुसीबत आती है आपके ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर, तो आप कौन सी पूजाएं वगैरह करते? हम ये बागेश्वर जी के मंत्र है ना, ओम सन्यासी दे, इनके बागेश्वर जी के और सन्यासी बाबा के मंत्र बोलते हैं, बस उसी से सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र चिकित्सा से चीज़ें ठीक होती हैं, तो आपने मंत्र वगैरह कोई पावरफुल मंत्र आपने उसका प्रैक्टिकल करके देखा है? ये देखा है, ये वाला जो मंत्र है ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, ये वाला है, तो ये मंत्र क्या होता है, जैसे ही मैं ऑफिस, जिस दिन मैं नहीं बोल के जाती ना, उस दिन मेरा पूरा दिन बेकार निकलता है, समझ रहे हो? सब लोग मेरे से ऐसे छुड़ने लगते हैं, हमारे घर में संकट आई उस दौरान तो होता ही है, और जब बोल के जाती हूँ ना, तो जो लोग बुरे भी होते हैं ना, वो भी आगे से अच्छे ही रिएक्ट करते हैं, मतलब ऐसा होता है ये है। मैम अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है, जैसे मतलब आप डिवोटी को बताना चाहें कि अभी दिनचर्या क्या, जैसे कैसे पूजा पाठ आप? पूजा पाठ दिल से करो, जैसे भी करो अच्छा करो, पहले अपने मम्मी पापा को पूछो और फिर भगवान को पूछो, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना मतलब ये करते हैं कि पूजा तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, जैसे कि आपने बताया। अब वो तो उनके कर्म है, उनका नसीब है कि कैसे करें। दो मिनट के करो, एक घंटे मत करो, भाव से करो, भाव से करो। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बोलते हैं कि सन्यासी बाबा की आपकी कृपा हुई है, बालाजी की कृपा हुई है, तो उस कृपा को जल्दी पाने के लिए आपने क्या किया है? या जल्दी पाने के लिए वो उनका आशीर्वाद होता है कि जब भी वो मिलेंगे अपने टाइम के अनुसार ही मिलेंगे, कि कहते हैं ना कि भगवान बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, जैसे भी पूजा करो मन से करो वो जरूर मिलेंगे, ये है। और गलत विचार मत लाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ पाप मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, बस सबके साथ अच्छा करो, वही सबसे बढ़िया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।